हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन 3.0। फ्रेंड्स, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है फेंटल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। तो चलिए इस जॉब के बाद डिटेल्स जानते हैं, और डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना होगा ताकि आप इस जॉब के बाद सारा चीज़ डिटेल्स में जान पाए कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, इसमें किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं और आप इसमें कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट, फेंटल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कॉन्स्टेबल फायर। ऑनलाइन फॉर्म 2022। इस फॉर्म को 28 जनवरी 2022 को रिलीज किया गया है। अब देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो देखिए, जनरल OBC EWF कैंडिडेट को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 100 रुपीज़ पे करने होंगे। FE ST EFM कैंडिडेट को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा, और इसका पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, आप इस फॉर्म को 29/1/2022 से अप्लाई कर सकते हैं और 4/3/2022 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। एज लिमिट, तो देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। जनरली FE ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है और OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। आपका डेट ऑफ बर्थ 5/3/1999 से लेकर के 4/3/2004 के बीच में होना चाहिए। अब देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स। तो इसमें देखिए, टोटल वैकेंसी 1149 पोस्ट हैं। अब देखते हैं कैटेगरी वाइज कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 489 पोस्ट है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 249 पोस्ट है, EWF कैटेगरी के लिए 113 पोस्ट है, FE कैटेगरी के लिए 161 पोस्ट है, ST कैटेगरी के लिए 113 पोस्ट है। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी। तो देखिए, इस फॉर्म को सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए विथ फाइंस स्ट्रीम। अगर आप फाइंस स्ट्रीम के साथ पास नहीं किए हैं 12th, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और देखिए, इसके लिए हाइट 170 cm होना चाहिए, चेस्ट 82-85 cm के बीच में होना चाहिए। अब देखते हैं स्टेट वाइज वैकेंसीज की कौन से स्टेट में कितने वैकेंसीज है। आप लोग यहाँ से कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ओके, तो देखिए, यूपी में टोटल पोस्ट 112 पोस्ट हैं, उत्तराखंड में 6 पोस्ट हैं, राजस्थान में 39 पोस्ट हैं, टोटल बिहार में 123 पोस्ट हैं, चंडीगढ़ में 1 पोस्ट है, दिल्ली में 10 पोस्ट है, हरियाणा में 14 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ में 40 पोस्ट है, MP में 50 पोस्ट है, झारखंड में 87 पोस्ट हैं, पंजाब में 16 पोस्ट हैं, गुजरात में 34 पोस्ट हैं, गोवा में 1 पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश में 4 पोस्ट हैं, जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 41 पोस्ट हैं, कर्नाटका में 34 पोस्ट हैं, केरल में 40 पोस्ट हैं, लद्दाख में 1 पोस्ट है, महाराष्ट्र में 70 पोस्ट है, मणिपुर में 11 पोस्ट है, मेघालय में 13 पोस्ट है, मिजोरम में 5 पोस्ट है, नागालैंड में 7 पोस्ट है, उड़ीसा में 58 पोस्ट है, पुडुचेरी में 1 पोस्ट है, तमिलनाडु में 41 पोस्ट है, तेलंगाना में 30 पोस्ट है, त्रिपुरा में 15, अरुणाचल प्रदेश में 9, असम में 103 पोस्ट है, वेस्ट बंगाल में 54 पोस्ट है, आंध्र प्रदेश में 79 पोस्ट है। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कि आप इसमें किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए, आप इसमें सिलेक्शन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटर्न एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। तो देखिए, हाइट 170 cm होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ओके, और चेस्ट 82-85 cm के बीच में होना चाहिए, ओके। अब देखते हैं रिलैक्सेशन कैंडिडेट्स के लिए। तो देखिए, अगर आप गढ़वाल, ओके, कुमान, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोगराज, ओके, तो ये सारे प्लेसेस से अगर आप आते हैं, तो आपके लिए हाइट 165 cm होना चाहिए और चेस्ट 78-83 cm के बीच में होना चाहिए, ओके। और देखिए, अगर आप ट्राइबल और आदिवासी, मिजोरम और नागाज से बिलोंग करते हैं, तो आपका हाइट 162.5 cm होना चाहिए और आपका चेस्ट 77-85 cm के बीच में होना चाहिए, ओके। अब देखते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो देखिए, इसमें आप लोग को रनिंग करने के लिए बोला जाएगा 5 किलोमीटर विद इन 24 मिनट्स, ओके। अब देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसमें देखिए, टोटल आप लोग को 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके,
जो कि 100 मार्क्स कैरी करेगा। ओके, और आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी यह है कि देखिए इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्क नहीं होने वाला है। इस एग्जामिनेशन को देने के लिए 2 घंटा टाइम दिया जाएगा और सीबीटी एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, और क्वालिफाइंग नेचर है, देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएफ कैटेगरी के लिए, ईएफएम कैटेगरी के लिए 35% अफकोर करने हैं रिटर्न एग्जामिनेशन में। ओके, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी को 33% अफकोर करने हैं रिटर्न एग्जामिनेशन में। यह आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ओके, अब देखते हैं सब्जेक्ट वाइज कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए जेंडर इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क्स कैरी करेगा। जेंडर अवेयरनेस एंड जीके से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क्स कैरी करेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क्स कैरी करेगा। हिंदी या फिर इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स कैरी करेगा। ओके, अब देखते हैं फ्लेवर्स। तो देखिए जनरल इंग्लिश के लिए एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, बेसिक कंप्रहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, एरर रिकग्निशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ओके, सेंटेंस कंप्लीशंस, फ्रेजेस एंड आइडियोमेटिक यूज ऑफ वर्ड्स एट्सेट्रा। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए जनरल अवेयरनेस, ओके, जनरल नॉलेज। तो देखिए हिस्ट्री से आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जियोग्राफी से, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो ये सारे टॉपिक्स पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एचपीएफ, एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ एट्सेट्रा। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो आपको आप लोग इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड में देखिए एनालिसिस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन, ओके, एनालिटिकल फंक्शन, वेन डायग्राम, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न एट्सेट्रा। तो इतने सारे टॉपिक्स आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग को अफकोर्स फिर 35% करने हैं। ओके, 35 क्वेश्चन सही होना चाहिए आउट ऑफ 100। ओके, फिर आप लोग इसमें सेलेक्शन ले सकते हैं। और देखिए इसमें सैलरी देखते हैं। इसमें सैलरी देखिए आप लोग का लेवल सैलरी का लेवल 3 का सैलरी रहने वाला है जो कि बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके, आपका इनिशियल सैलरी 21,700 रहेगा। ओके, और धीरे धीरे एक्सटेंड होगा 69,100 तक। ओके, तो इसमें सैलरी आप लोग का बहुत अच्छा है। और इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, नेशनल पेंशन सिस्टम। ओके, तो देखिए ये सारे बेनिफिट्स आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, और देखिए यूजुअल अनाउंसेस एज एडमिसिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, टाइम टू टाइम आप लोग को अनाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आई होप आप लोग की इस जॉब के बाद सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। स्टिल किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं देन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा हो देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि इस जॉब के बाद सारा चीज़ डिटेल्स में जान पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।